सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग का 19 बैच का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है और जब से रिजल्ट जारी हुआ तब से बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम, जिनका बैक लग गया है एक या दो सब्जेक्ट में, क्या वो प्रशिक्षु प्रमोट होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके अलावा जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक लग गया है उनको क्या करना चाहिए, उनको किस सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए और स्कूटनी का जो फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा और स्कूटनी में कितने नंबर बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सेमेस्टर परीक्षा कब होगी जिनका बैक लग गया है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है आप लोग प्लीज उन तक जरूर शेयर करिएगा और शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान से सारे के सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है वे प्रशिक्षु प्रमोट होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रमोट का आधार था वो क्या था, वो ये था कि सेकेंड सेमेस्टर में जो भी प्रशिक्षु सभी विषयों में पास थे उन्हें ही प्रमोट किया गया था। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका फोर्थ सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है वो लोग थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देंगे। तो आप लोग दिमाग में मत रखिएगा कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, आप लोग प्रमोट थे, आप लोग प्रमोट हैं और आप लोग प्रमोट रहेंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लग गया है एक या दो सब्जेक्ट में, ठीक है, उनको किस सेमेस्टर की तैयारी करनी है। अगर आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है इसका ये मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जब भी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का नंबर बढ़े तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर एक तरीका और है, स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर एक या दो सब्जेक्ट में बैक है तो आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा केवल और केवल उन्हीं विषयों की देनी होगी। और जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक लग गया है, जिन प्रशिक्षुओं का तीन सब्जेक्ट में, उन प्रशिक्षुओं को भी फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर तीन सब्जेक्ट से अधिक में, या ये कहें कि तीन से अधिक में बैक लगती है तो आपको सारे के सारे पेपर फिर से देने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देना है, आपको फोर्थ पर ही फोकस करना है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे प्रशिक्षु स्क्रूटनी के बारे में पूछ रहे हैं। तो स्क्रूटनी के फॉर्म में आपको पता है केवल और केवल आपके सिंपली क्या होते हैं, नंबर काउंट किए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म एक हफ्ते के अंदर आने वाला है और लगभग एक महीने ये प्रोसेस चलता है, एक मंथ तक। और फिर उसके बाद जब एक मंथ तक आवेदन ले लिए जाते हैं आप लोगों के, फिर उसके बाद कॉपियों में फिर से नंबर जोड़े जाते हैं और अगर नंबर बढ़ता है तब उम्मीद है कि आप लोग आसानी से उसमें, अगर जिसका एक या दो नंबर से रुका हो वे प्रशिक्षु जरूर स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि कभी कभी मार्क्स बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक है वो तो जरूर फिल करेंगे स्क्रूटनी का फॉर्म। क्यों फिल करेंगे, क्योंकि अगर तीन में से केवल एक सब्जेक्ट में भी आपका बैक हट जाता है तो आपको केवल दो सब्जेक्ट की परीक्षा देनी पड़ेगी फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसलिए आप लोग, जिनका भी तीन सब्जेक्ट में बैक लगा है वो लोग तो निश्चित रूप से स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर फिल करें। अगर एक भी सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा तो आप पास हो जाएंगे और इससे क्या होगा, आपको केवल दो सब्जेक्ट की परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि केवल जिन विषयों में बैक है सिर्फ उन्हीं का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जिनका भी बैक लगा हुए प्रशिक्षु परेशान है कि एग्जाम कब होगा। आप लोगों ने देखा था कि 2018 बैच की परीक्षाएं जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में पिछले साल करा ली गई थी, जो भी प्रशिक्षु बैक वाले थे उनका भी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर करा लिया गया था। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले स्क्रूटनी का प्रोसेस पूरा होगा और फिर उसके बाद आप लोग के एग्जाम ले लिए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि आप लोगों का जो प्रशिक्षण है वो तीन साल चार साल में पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे प्रशिक्षु हताश हो गए थे तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जिस भी सब्जेक्ट में बैक है सिर्फ और सिर्फ आप उसी की तैयारी करोगे, बाकी और कुछ नहीं। इसके अलावा जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर फिल करना है। एक या दो सब्जेक्ट वाले भी फिल कर सकते हैं लेकिन जिनका तीन सब्जेक्ट में लगा है उनको जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि रेयर केस में नंबर बढ़ता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा विश्वास नहीं दिला रही हूँ कि नंबर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही कम परसेंटेज में नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि केवल और केवल नंबर जोड़े जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया केवल नंबर जोड़े जाते हैं आप लोग की कॉपियों में, कॉपी फिर से चेक नहीं होती है स्क्रूटनी में।
इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सही बात है वही बता रही हूँ। तो सही बात यही है कि आप लोग स्कूटनी का फॉर्म बिल्कुल भरिए, जिनका भी एक या दो सब्जेक्ट से बैक में बैक है वो भी भरे, और जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक है वो भी भरे, सभी लोग स्कूटनी का फॉर्म भरेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको उन विषयों को दोहराते हुए भी चलना है, क्योंकि स्कूटनी में बहुत रेयर केस में नंबर बढ़ते हैं। और सेमेस्टर की परीक्षाएं जब स्क्रूटनी के आवेदन ले लिए जाएंगे, स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा, स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का जो एग्जाम का डेट है वो डिक्लेयर किया जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का। तो आप लोगों को यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली ये कि आप लोग प्रमोट थे, प्रमोट है और प्रमोट रहेंगे, आप लोगों को कोई फिर से थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं लेगा कोई आपका, ठीक है। जिनका बैक लगा है वो भी प्रमोट है, उनको भी फोर्थ सेमेस्टर में ही जिस विषय में बैक लगा सिर्फ उसी का पेपर देना है, और जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक है उनको भी सारे पेपर देने, उनको सारे पेपर देने हैं। लेकिन आप स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर से जरूर फिल करिएगा, जिससे अगर तीन सब्जेक्ट में से एक में भी हट जाएगा तो इस तरीके से आपको केवल सिर्फ और सिर्फ बैक विषयों की परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स को दूर कर दूं। तो आप लोग की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो कम से कम अभी भी 2 महीने का टाइम लगेगा यहाँ पर, तो फरवरी से पहले अभी पॉसिबल नहीं है कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हो। इसलिए आप लोग के सामने सीटेट है, यूपीटेट है, उसकी तैयारी आप लोग करिए। और बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हैं कि हमारा सीटेट या यूपीटेट मान्य है या नहीं जिनका बैक लगा है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा, और ये डाउट भी मैं आपका दूर कर दूंगी। अगर आप लोग अच्छे से अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक प्रशिक्षु कमेंट करेंगे, तो ये डाउट भी मैं जरूर दूर कर दूंगी आप लोग का। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत मददगार होगी और आप लोग इस वीडियो से बहुत सहायता लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के दोस्तों को जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक है, या फिर जिनका तीन सब्जेक्ट में बैक है, आप प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। उनको बहुत अधिक सांत्वना मिलेगी इस वीडियो से और बहुत सारी चीजें उनको सही जानकारी मिलेगी, जो बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान है उनको सही नॉलेज मिलेगी और वो अपने एग्जाम के लिए सही से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।